हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GPH बुक। आज मैं आपको बताऊंगी कि दिसंबर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करने से पहले सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस। बट फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट द टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी क्वायरी रिलेटेड दिस वीडियो देन डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप कब तक दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2018 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्म फिल करने से पहले सारी गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर देते हैं और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे कर देते हैं और किसी भी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो आपको रिटर्न नहीं की जाएगी। स्टूडेंट्स तभी दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने कोर्स के असाइनमेंट सबमिट करा दिए हैं और उन असाइनमेंट्स में वो पास हो गए हैं। अगर आपने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराए हैं और आपने अपनी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है एंड फ़ीस भी पे कर दी है, तो आपकी फ़ीस रिटर्न नहीं होगी और आपका हॉल टिकट अपलोड और इशू नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपना टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जून एग्ज़ाम कम्प्लीट कर लिया है और आप उसमें पास भी हो गए हैं, तभी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको अपना जून टर्म एंड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखना है, तो आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, www.ignu.ac.in। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं, आप तभी दिसंबर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका जून 2018 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आपको इग्नू सेंटर में जाकर पता करना होगा। दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करते टाइम आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी गाइडलाइंस हैं जो आपको दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म फिल करते समय चेक करनी है। अगर आप बिना सोचे समझे एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देते हैं, तो आपकी फ़ी रिटर्न नहीं की जाएगी, राइट? तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो हाउ टू फिल दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म विद फुल इंस्ट्रक्शंस देखना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।